अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों को अक्सर ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपके फेस पे भी इस तरह के ब्लैक हेड्स हैं, आप लोग स्टीम ले चुके हैं, फेशियल करा चुके हैं, तब भी नहीं निकलते, तो ये बेस्ट रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं डिस्पिन यूज़ करूँगी। डिस्पिन हमारे घरों में सबके घर में मौजूद होती है, लेकिन हम आमतौर से इसको सिर्फ सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं। आज मैं इससे आपको एक जादुई तरीका बताने वाली हूँ कि आप इसे किस तरीके से ब्लैक हेड्स ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ सिर्फ दो डिस्पिन की टेबलेट्स हमें चाहिए होंगी, और इसमें हम डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर। ये बेहतरीन होता है और स्किन के लिए, आप इसको ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप सिंपल जो घर में वाइट विनेगर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हो तो बेस्ट है। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया है, और इसको दो मिनट के लिए हम इस तरह छोड़ देंगे। ना इसको आपको पीसने की ज़रूरत है, ना पाउडर कुछ करके इसमें डालना है, तो बस सिंपल इसी तरह ये मेल्ट हो जाएगी। तो दो मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीसलीन। तो ग्रीसलीन भी आपके फेस के लिए बेहतरीन होती है, सॉफ्ट कर देती है आपकी स्किन को। तो इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून ग्रीसलीन ऐड की है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो इसका एक पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। अब एक ब्रश की हेल्प लेनी है आपने, और उसकी हेल्प से आप इस तरह से इसको अप्लाई कर लेंगे अपनी नोज़ के ऊपर या फेस पे। आपके कहीं भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो भी हैं, तो वो सब इससे रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आपने इसकी एक थिक सी लेयर लगानी है, और इसको आपने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको छोड़ देना है इसी तरीके से। बिल्कुल फुल ड्राई नहीं करना आपने, हल्का सा ये थोड़ा सा गीला गीला होगा, तो 5 मिनट बस इसको आपने लगे रहने देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, यहाँ 5 मिनट हो गए, हल्का हल्का सा ये गीला इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी नोज़ को इस तरीके से प्रेस करने हैं, ताकि जो भी ब्लैक हेड्स हों वो सारे ऊपर आ जाएंगे। और डिस्प्रिन से ये इसके फ़ायदे होते हैं कि इससे जो भी ब्लैक हेड्स होते हैं सब आपके फूल के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से करके फिर आपने हल्का सा प्रेस करने के बाद इस तरह साफ़ कर लेना है। अगर आपके फर्स्ट एप्लीकेशन में नहीं निकलते, तो आप दोबारा से इसको एक थिक लेयर लगाएँ और 5 मिनट इसी तरह से छोड़ दें। तो 5 मिनट के बाद आप हाथ धो लिएगा इस तरह से करके, और उसके बाद आपने एक ड्रॉप ग्रीसलीन लेनी है, और उसके बाद एक या दो ड्रॉप इसमें अर्के गुलाब आपने ऐड करना है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, चाहे तो आप सिर्फ नोज़ पे लगा लें, लेकिन दोनों चीज़ें बेस्ट हैं फेस के लिए। तो आप रात को इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लें, और नोज़ पे भी अपने अप्लाई करें। सुबह उठ के आप फेस को वॉश कर लें, इंशाल्लाह आपके ब्लैक हेड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये रेमेडी मैं ख़ुद भी अब ट्राई करती हूँ, जब भी मेरे ब्लैक हेड्स होते हैं तो बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपको अमेजिंग मिलेंगे। बहुत से लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, वैसे तो डिस्पिन हम खाते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला आपकी स्किन पे, लेकिन फिर भी अगर सेंसिटिव है और आपको थोड़ी सी भी जलन या कोई ख़ारिश महसूस हो, तो आप फौरन इसको साफ़ करके ठंडा रोज़ वाटर आप फौरन अपने फेस पे अप्लाई कर लें, तो उससे जो भी ख़ारिश वगैरह आपकी स्किन पे हो रही होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।